Hello everyone. Hi sir. Are you enjoying it, American? Yes sir. Hello everyone. Hi sir. So this is my 6 to 8 batch. All right. How are you feeling today, guys? Yes sir. हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे होंगे आप लोग। ऑलराइट, तो ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, पर चूंकि हमको अमेरिकन को शिफ्ट करना पड़ा, पहले ही यहाँ थी अब कहीं और चली गई है, राइट। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, यहाँ से शिफ्ट होकर अमेरिकन कहाँ गई है, किस तरीके से हमने इस बार सारी चीज़ें अरेंज करी है, क्या नया लेके आए हम लॉकडाउन के बाद, कितनी फ़ी है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से बच्चों के साथ डील किया जाता है। इस वीडियो में आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है उन दोस्तों के पास जो वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एंड यू हैव टू पुट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अमेरिकन कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, पहले अमेरिकन इस बिल्डिंग में थी, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पर पार्क करते थे बच्चे अपनी बाइक्स को, बट अब यहाँ से अमेरिकन शिफ्ट हो गई है और बहुत दूर पहुँच चुकी है। बो रही अबे साले। ऑलराइट, तो आइए आपको मैं विज़िट कराता हूँ। यहाँ से जाएंगे इस तरीके से, ये मेन रोड है, यहीं पर आपको जो बस रहेगी वो उतार देगी। आप एमपी नगर से आ सकते हैं, आप आनंद नगर से आ सकते हैं, इंद्रपुरी में तो है ही, मेन रोड पर ही आपको अमेरिकन मिलेगी। दिस इज़ आवर अमेरिकन। और इसी के सेकंड फ्लोर पर रही अमेरिकन इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, तो हाँ, बापू की, ये बापू की कुटिया है और ये रही अमेरिकन, इसी के बगल में शर्मा विष्णु है और ये रहा आपका मेन रोड। ऑलराइट, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। फ्रेंड्स, अब मैं आपको मेन क्लास विजिट कराता हूँ। वेल, सबसे पहले हमने यहाँ पर लगा के रखा है प्लीज़ वेयर द मास्क एंड सैनिटाइज योरसेल्फ बिफोर एंटरिंग क्लास, राइट। और उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़फुल हैं आपको, अगर आप मास्क लेके नहीं आते हैं, वी हैव गॉट मास्क हेयर। हम चेक भी आपको करेंगे कि आपका टेम्परेचर क्या है, एंड दिस इज़ द मेन क्लास। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो ये होती है कि आपकी क्लास में लाइटें कितनी हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चा यहाँ पोडियम पे खड़ा होके प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसकी वीडियो बनाई जा रही है, तो क्या लाइट उसमें प्रॉपर है? सो यस, वी हैव अ लॉट ऑफ लाइट्स हियर। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लाइट्स, तो मैंने रिंग लाइट भी लेके रखी है, हमने ये वाली लाइट भी यहाँ पर लगाई है, इसके बाद हमारे पास डिस्को लाइट भी है, ताकि अगर कभी भी बर्थडे रहे किसी भी स्टूडेंट का या फिर मेरा या फिर कुछ भी सेलिब्रेशन हमें करना होता है, तो हम यहीं पर बढ़िया पोडियम पे डांस करते हैं और यहाँ पर बच्चे बैठे रहते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। सारी क्लासेस आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाई जाएगी, इसलिए मैंने ये लगा के रखा है यहाँ पर। एंड देन दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका पोडियम जो कि आपके सामने है ग्रीन कलर में, और एक होता है लेक्टर्न। वेल, इसे बोलते हैं लेक्टर्न, ना कि पोडियम, पोडियम इसे कहते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा पैसे लगाने की क्या जरूरत है? देखिए, हमने यहाँ पर पोडियम को थोड़ा सा उठा के बनाया ताकि जब सामने कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा हो तो उसको मज़ा आए, वो फील करे कि यस, मैं एक्चुअल में स्टेज पे खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, दिस इज़ द मेन बोर्ड। अब एक चीज़ और होती है, कई बार ये शाइन करता है प्रोजेक्टर चलने के बाद, तो हमने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला है, वो ये है कि हम ये डाउन कर देते हैं, और जिससे एक फ़ायदा हो जाता है कि ये पूरा जो बोर्ड है वो शाइन नहीं करता है। ऑलराइट, सो ये भी है। जिसके बाद हमारे पास है हमारा म्यूज़िक सिस्टम, जो यस, मैं बहुत सारी वीडियोस बच्चों को दिखाता हूँ इस पर, ताकि वो देखकर भी सीखे, सुनकर सीखे, एंड दीज आर द चेयर्स। और बहुत सारी चीज़ें हमने क्लास में भी लगा के रखी है, जैसे कि ये सारी चीज़ें डिज़ाइन बाय समीर सर, ये देखिए, ये एंड सेस। और इसके बाद ये जो मिरर्स हैं हमने अभी इंस्टॉल्ड कराया है, इनको अभी फिक्स कराया है मिरर को, ताकि आप यहाँ पर खड़े होकर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि कई बार लोग भी बोलते हैं कि टॉक टू योरसेल्फ, टॉक इन द मिरर, बट यहाँ पर जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये बड़ा हेल्प करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज सही करने में। तो ये रही आपकी मेन क्लास, आई होप कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिस क्लास जो कि उस तरफ है, आइए।
सो दोस्तों, ये रहा आपका प्रैक्टिस क्लास। यहाँ पर बच्चे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। जब मैं उस क्लास में क्लास पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर बैठ के जो दूसरी क्लास निकलती है यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा ऑफिस, और जो वहाँ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर लिखा है ग्रुप डिस्कशन रूम, राइट। मैं आपको अभी विजिट कराने वाला हूँ वो रूम भी। तो यहाँ पर बढ़िया से प्रैक्टिस हो ही जाती है। अब यहाँ पर हमने दो मिरर्स लगा के रखे हैं, वन इज देयर सेकंड वन इज हियर। क्या फ़ायदे हैं ये आपको सबको पता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में कई बार ऐसा होता है हमारा दोस्त नहीं है हमारे साथ, हमारी गलती कोई बताने वाला नहीं है, टीचर उस क्लास में पढ़ा रहा है। तो आप एटलीस्ट मिरर में देख के प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। अब वहाँ पर एक और लेक्टर्न है एंड दिस इज़ आर ऑफिस। यहाँ पर इंक्वायरीज बैठती हैं, कई बार क्लास भी लेना पड़ता है, बच्चे भी जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें यहाँ पर भी सिट कराना पड़ता है। तो इस तरीके से ऑफिस में भी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ GD रूम। हाँ, यहाँ पर बुक्स रखी हैं, यहाँ पर डिक्शनरीज भी हैं, आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। बट यस, हम ले जाने नहीं देते हैं बिकॉज वी डोंट बिलीव। हेलो राज, हाउ आर यू? सो दिस इज आर GD रूम। यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ GD होती है, ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छे से कराया जाता है हमारे यहाँ पर। और कई बार जब बच्चे कम होते हैं तो मैं यहाँ भी क्लासेस ले लेता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ है हमारे पास एंड दैट इज़ दिस टेलीविज़न, TV भी है, क्योंकि यहाँ पर ऑडियो क्लासेस भी होती है, बच्चों को लिसनिंग भी कराया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उस कोर्स के बारे में जो अमेरिकन में पढ़ाया जाता है। आइए, सो गाइज, हियर इज़ द बेस्ट कोर्स यू मे नेवर हैव सीन बिफोर। वेल, हमारे यहाँ पर दो कोर्सेज होते हैं, एक तो होगा कम्युनिकेशन स्किल्स का और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। सबसे अच्छी बात यह है अमेरिकन की कि अगर आप एक बार इसमें एडमिशन लेते हो तो ये आपको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप कार्ड प्रोवाइड कराता है। इट मींस आप कहीं भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपकी फ़ी दोबारा नहीं लगेगी। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोवाइड 3 फ्री डेमो क्लासेस, संडे ऑफ रहता है, बाकी हर दिन आपको 2 घंटे एटलीस्ट देने ही पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक सारी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। पर जो तरीका हमारा होता है वो होता है SBL, यानी कि सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। एक दूसरे से बात कैसे करें, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फेयर कैसे दूर करना है, रोल प्ले कैसे किया जाता है यानी कि कैमरे के सामने परफॉर्म कैसे करना है, प्रोनंसिएशन कैसे सही किया जाता है, भाई ड्रेस कोड सिस्टम होता है हमारे यहाँ पर, किस तरीके से ड्रेसअप किया जाता है अपने आप को, रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर यहीं प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, मॉक इंटरव्यू लिया जाता है आपका हर वीक, ईमेल राइटिंग, प्रोफेशनल ग्रुप डिस्कशन सेशंस होते हैं, PPT प्रेजेंटेशंस, ऑफिस एटिकेट्स, डाइनिंग मैनर्स, मोटिवेशनल सेशंस, ग्रूमिंग सेशंस, टेलीफोन पे बात कैसे करनी और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें स्पोकन कोर्स के साथ आपको सिखाई जाती है 3 मंथ्स में, राइट। अब बात अगर हम फी की करें तो यहाँ पर फी है, अगर आप एक साथ देते हो तो 3,700 और इंस्टॉलमेंट में 4,000 हो जाती है, 2,000 आफ्टर 3 डेज फ्री डेमो, और उसके बाद 30 डेज के बाद आप 2,000 दे सकते हैं, तो ये 4,000 होती है। 3 महीने बाद आपके 100 रुपीज़ लगते हैं जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप कार्ड मिलता है, और इसके बाद आपको कभी भी पैसे नहीं देने यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है अमेरिकन का। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आपको कोर्स पसंद आया होगा। एंड सो ये था अमेरिकन का पूरा विजिट। आपने मेन क्लास देखी, आपने प्रैक्टिस वाली क्लास देखी, आपने GD रूम देखा, आपने ऑफिस देखा, इसके बाद हमने कोर्स के बारे में बात करी और कहाँ पर अब हम हो गए शिफ्ट, ये भी आपने देखा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, साथ ही साथ अमेरिकन भी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और कॉमेंट में बताइए आपको सबसे अच्छी चीज़ अमेरिकन में क्या लगी। बाय बाय, टेक केयर।